यार ये वाला वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेरे को यार लास्ट डे, ठीक है यार, 150 प्लस कॉल सिर्फ आया ये पूछने के लिए कि भैया क्या हमको मॉपअप में जाना है। भैया अगर हम मॉपअप में जाना चाहते हैं तो क्या हमको एडमिशन लेना पड़ेगा? ठीक है यार, आज लास्ट डे है, तुम देख सकते हो। ठीक है यार, ये वीडियो मॉर्निंग में आ रहा है बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी यार सेकेंड राउंड में सीट ले लिया, बहुत सारे बच्चे कि सेकेंड राउंड में अभी भी कन्फ्यूज है इसको क्या करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा चीज़ क्लियर आउट नहीं है। कुछ बच्चे फोन करके हमको ये बोल रहा है, भैया वेब जी को कॉल कर रहे हैं, वेब जी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, कॉलेज में जा रहा है, जिस कॉलेज में मेरा पीआई राउंड है, मतलब पीआई सेंटर है, मतलब जो तुम्हारे चेकिंग होता है जिधर, ठीक है, पीआई सेंटर्स मतलब कोई भी कॉलेज जो तुमको अलॉट हुआ है, ठीक है, उधर जाके पूछ रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, सब कुछ वेब जी को पता, तो वेब जी को पूछ लीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आपको अपग्रेड करवाना है करवाइए, नो प्रॉब्लम, अगर आपको अपग्रेड नहीं करवाना है तो जो कॉलेज तुमको मिला है उसमें ही तुमको एडमिशन लेना पड़ेगा, हम कुछ बोलेंगे। ठीक है, तो भैया कम्युनिकेशन नहीं है, पहला बात है। मेरे पास इतना सा भी टाइम नहीं मिला था आज, मैं इतना ज़्यादा बिजी था काउंसलिंग को लेकर कि तुम्हारे लिए एक वीडियो डाल पाओ मेरे भाई। ठीक है यार, तो सुन लो, इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ को लेकर समझाने वाला हूँ। लास्ट डे है, मॉर्निंग में वीडियो इसीलिए आ रहा है बिकॉज आज के अंदर अगर तुमको डिसाइड करनी है कि अगर तुम कॉलेज लोगे तो आज के अंदर लेना है, अगर तुमको कॉलेज नहीं लेना है ऑन दैट केस मॉपअप में जाने के लिए करना क्या है मेरे भाई, देख लो यार अच्छे से, यार चीज को पढ़ लो। ठीक है, मैं सबको बोला पहले पढ़ लो, देखो अलॉट इधर अच्छे से यार, पॉइंट टू को अगर कोई बच्चा पढ़ेगा ना मेरे भाई एक बार तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड। राउंड टू में क्या होता है, जो तुम्हारा राउंड वन में अगर किसी को अलॉटमेंट मिला है तो उसका अलॉटमेंट अपग्रेड हो जाएगा, अगर नहीं भी मिला उसका एक फ्रेश अलॉटमेंट राउंड टू में मिलने वाले है या फिर मिला है तुमको, राइट? अच्छा इधर क्या लिखा है यार, सच कैंडिडेट मे डिसाइड टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट। अगर जो तुमको फॉर एग्जाम्पल तुमको हल्दिया मिला है, ठीक है, तुम अगर चाहते हो तुम हल्दिया ज्वाइन कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम ज्वाइन नहीं करेंगे ऑन दैट केस तुमको करना क्या है कि तुमको अगर चाहते हो ज्वाइन करोगे तुमको पीआई राउंड में या फिर पीआई मतलब रिपोर्टिंग सेंटर में जाके हल्दिया में आके तुमको अपना जो राउंड है या फिर जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवा के तुमको एडमिशन लेना है, अगर चाहते हो तो तुम एडमिशन लेना उस पर्टिकुलर कॉलेज में जो तुमको राउंड टू में अलॉट हुआ, चाहे वो हल्दिया हो सकते हैं, चाहे वो टेक्नोमेन हो सकते हैं, चाहे वो हेरिटेज हो सकते हैं, चाहे वो जादवपुर हो सकते हैं, चाहे वो नाडुला हो सकते हैं, कोई भी यार वगैरह कॉलेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना तुम ले सकते हो, ठीक है, बट उस केस में तुम मॉपअप में बैठ नहीं पाओगे, ये अच्छे से लिखा है। ठीक है, मेरे को पता नहीं है बच्चे का इतना कन्फ्यूजन क्यों है यार, वाई यू आर सो मच कन्फ्यूज, वाई यू आर कॉलिंग मी, मीन्स यू कैन कॉल मी फॉर डायरेक्ट एडमिशन। ठीक है यार, मैं करवाता हूँ हर एक कॉलेज में इन अ मिनिमम एफोर्ट, ठीक है, मिनिमम प्राइस में, सबको पता है यार, तुम देख सकते हो इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करो, भैया मेरे को एडमिशन करवाना है आईए में, भैया मेरे को एडमिशन करवाना है टेक्नोमेन में, भैया मेरे को एडमिशन करवाना है हल्दिया में, तुम कॉल कर सकते हो, मैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, चाहे तो फ्री में भी करवा दूंगा इतना कुछ कुछ ब्रांचेस में, ठीक है, या फिर बहुत कम मिनिमम प्राइस में करा दूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो अगर अच्छा नंबर लेके आते हो या फिर आ रहे हो तो आई कैन एडमिट यू टू एनी कॉलेज, मेरे साथ इतना अच्छा सोर्स है एंड बहुत ही सस्ते में यार। ठीक है, बट मेरा बात एक बार सुन लो मेरे भाई अच्छे से यार सुनना। ठीक है, अगर तुम मॉपअप में बैठना चाहते हो ऑन दैट केस तुमको एडमिशन नहीं लेना है उस पर्टिकुलर कॉलेज में। मैं लास्ट वीडियो के अंदर भी यार बताया था, तुम देखो इतना सारा कमेंट्स आ रहा है अभी यार, इतना सारा कमेंट्स है, आई डोंट नो, मतलब इतना सारा देखो हैंग कर रहा है सिस्टम, हैंग कर रहा है सिस्टम ही हैंग कर जा रहा है, समझ पा रहे हो यार क्या बात हो रहा है? ठीक है, तो इसीलिए इतना सा चीज बोलूंगा, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर मॉपअप, इफ यू वॉन्ट टू अपग्रेड, इफ यू वॉन्ट टू सी दैट कि भाई हम क्या मॉपअप में, अगर तुम एडमिशन ले रहे हो ऑन दैट केस मॉपअप में बैठ नहीं पाओगे, अगर एडमिशन नहीं ले रहे हो तो तब मॉपअप में बैठ पाओगे, एंड अगर तुम फ्रेश कैंडिडेट हो जो कि काउंसलिंग में बैठा नहीं, वो बच्चा अपना पैसा देकर मॉपअप में बैठ सकते हैं, बट मॉपअप में बैठने के बाद अगर तुमको कोई सीट मिलता है तो वो 5,000 जो तुम दिए थे, ठीक है, उसको तुमको दोबारा देना नहीं है, बट अगर तुम्हारा फ्रेश अलॉटमेंट है ऑन दैट टाइम तुमको 5,000 देना है, इतना सा बात है। अगर कोई बच्चा को राउंड टू में सीट मिला है, वो मॉपअप में बैठना चाहता है, उसको 5,000 देके सीट एक्सेप्टेंस भी भरनी है, एंड उसके बाद वो लेटर डाउनलोड करके उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके उसको चीज़ को वेरीफाई करनी है, एंड वेरीफाई करने के बाद उसको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है अगर वो मॉपअप में बैठना चाहते हैं। अगर वो मॉपअप में बैठना नहीं चाहते हैं तो एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो यार चीज़ को समाप्त करते हैं, आज लास्ट डे है, जिसको लेना है एडमिशन कराओ, जिसको नहीं लेना है यार कमेंट करो, एंड मेरे को कॉल करो, अगर तुमको कोई भी कॉलेज में अच्छा ब्रांच में यार एडमिशन चाहिए तो कॉल करो यार, मेरे को तुम्हारे भाई खड़ा है, सबको यार बहुत ही सस्ते में यार करवाएगा, चाहे कोई भी यूट्यूबर कोई भी हो जाए यार, सबसे सस्ते तुम्हारा भाई करवाएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।